सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का जो वीडियो है ये कोई व्लॉग वीडियो नहीं होने वाला। तो आज मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग काफ़ी सारी चीज़ों की। तो आज की वीडियो में करने वाला हूँ मैं चार अलग अलग आइटम्स की अनबॉक्सिंग, जिनमें से सबसे पहला आपका होगा एक पावर बैंक, एक होगा आपका DSLR कैमरा, एक होगा आपका ड्रोन और एक होगा आपका एक्शन कैमरा। सबसे पहला है हमारा पावर बैंक। ये 20,000 mAh का पावर बैंक है और ये मैंने ऑफलाइन स्टोर से खरीदा है, ऑनलाइन से नहीं, क्योंकि दोनों के प्राइस में कोई ज़्यादा फ़र्क था नहीं और आईफोन के साथ कंपैटिबल है और मेड इन इंडिया है तो सबसे बेस्ट मुझे यही लगा। अभी वैसे एक्चुअल में मैं मैगसेफ लेने की सोच रहा था बट मैगसेफ एप्पल का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बात करूँ दूसरे ब्रांड्स की तो वो थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ है मुझे उनके साथ। और उनके मिक्स मैंने रिव्यूज़ भी देखे हैं यूट्यूब और बाकी जगह पर वगैरह पे, कुछ लोगों का कहना ठीक है बेल्किन, कुछ लोगों का कहना एमरेंस है, तो इसलिए मैंने फाइनल में यही सोचा कि पावर बैंक ही ले लेते हैं। ये सिर्फ मेरा आईफोन के नहीं बल्कि इससे अपना आईफोन भी चार्ज कर सकता हूँ, मैं इससे अपना GoPro भी चार्ज कर सकता हूँ और मैं इससे कैमरा भी चार्ज कर सकता हूँ। सो ये हमारा पहला प्रोडक्ट, तो सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो हमारा पहला प्रोडक्ट है हमारा पावर बैंक। सो ये पावर बैंक है एमरेन का, इसका प्राइस मुझे पड़ा है 2,000 रुपये और ये है 20,000 mAh का पावर बैंक। 10,000 mAh का पावर बैंक मुझे पड़ा था 1400 का, तो मुझे ये ज़्यादा बेनिफिट लगा और ये 20 वाट तक सपोर्ट करता है आपका, मेड इन इंडिया है। बाकी इसमें सारे फीचर्स हैं बॉक्स पे, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हो। चार्जिंग टाइम अप टू 7 to 8 hours, हाँ जो कि सही है क्योंकि मैंने ये तकरीबन 7-8 घंटे पूरी रात मैंने लगा के छोड़ा था तो सुबह जाके कहीं फुल चार्ज हो गया था। और मेरे आईफोन की बैटरी 3,500 के आसपास है तो ये 3 से 4 बार इसे चार्ज इजीली कर सकता है। तो बॉक्स को ओपन करते हैं। तो इसमें मिलता है हमें सबसे पहले एक पाउच और पावर बैंक रखने के लिए, बाकी ये आपकी USB-C केबल है और इसमें मिलता है एक पावर बैंक जो कि आपके मैट ब्लू कलर में, और इसमें 3 पोर्ट हैं, 2 USB पोर्ट, 1 USB-C और ये आपका नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट है। तो वेट इसका काफ़ी ज़्यादा है, अगर मैं वेट की बात करूँ तो 550 ग्राम, हाँ 560 ग्राम, तो यानी आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा वेट है इसका, आधा किलो वेट है, जो कि यहाँ थोड़ा सा दिक्कत देगा आपको इधर उधर कैरी करने में। अगर आप पॉकेट में लेकर घूमना चाहते हो तो शायद आपके लिए टफ होगा, बट ओवरऑल अगर मैं देखा जाऊँ 20,000 mAh मुझे 3 से 4 बार मेरा फ़ोन चार्ज करेगा तो कुछ बुरा नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले अनबॉक्सिंग की तरफ। फिलहाल ये सारी चीज़ें यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अगला जो प्रोडक्ट है हमारा वो है DSLR कैमरा। अभी ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ इनमें से कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो मैंने अभी परचेज़ किया है, ये सिर्फ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इनके वीडियो का टेस्ट लूँगा, जो चीज़ मुझे बेटर लगेगी और सबसे बेस्ट लगेगी उसमें से एक या दो चीज़ मैं लूँगा। अब जैसा सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने पावर बैंक दिखाया था तो वो मेरा यूज़फुल है, वो मुझे चाहिए चाहिए तो वो मैं ले चुका हूँ, लेकिन बाकी जो 3 प्रोडक्ट हैं, 2 कैमरा और 1 ड्रोन कैमरा, वो मैंने अभी ख़रीदा नहीं है। सो मैं भी उनके टेस्ट लूँगा और अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या मिलता है बॉक्स में, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे हमें क्या लेना है, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट है हमारा एक DSLR कैमरा जो कि है आपका सोनी की तरफ से ZV-1, और ये क्योंकि मेरा जानने वाला है एक कैमरा वाला कैमरा मार्केट देहरादून करके, तो वहाँ से मैंने सारे प्रोडक्ट मंगाए हैं। तो ये एक यूज कैमरा था जो कि उन्होंने बस इसलिए मुझे दिया ताकि मैं देख पाऊँ, मतलब चेक कर पाऊँ 2-4 दिन के लिए कि मुझे कैमरा कैसा लग रहा है, और अगर ठीक लगेगा तो फिर वो मुझे नया कैमरा दे देंगे। सो इस बैग में ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी बस एक चार्जर है और ये बैग है। तो इस कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका ZV-1 कैमरा, ये बहुत ही छोटा सा कैमरा है। ये जो कैमरा आपका होने वाला है ये हमें मतलब मेरे फ़ोन से भी बहुत छोटा कैमरा है ये, अगर आप देखो दोनों कैमरा में देखना चाह रहा हूँ आ रहा नहीं आ रहा,
कैमरे का नाम है ZV-1। ये 4K वीडियो शूट करता है और साथ में इसमें आती है एक टिल्ट स्क्रीन जो कि 360 रोटेट होती है, जिससे कि आप व्लॉग करते वक्त खुद को देख सकते हो कुछ इस तरीके से। जब आप व्लॉग कर रहे हो तो ये स्क्रीन से आप खुद को देख सकते हो। और ये 4K वीडियो रिकॉर्ड करता है 30 FPS तक। बाकी इसमें एक इनबिल्ट माइक आता है, आप चाहो तो इसमें यहाँ पे माइक का स्लॉट दिया हुआ है, एक्सटर्नल माइक लगा के आप इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये रहा इसका ऑन ऑफ का बटन। सो ये अब इंटरचेंजेबल लेंस नहीं है, ये फिक्स लेंस है इसमें, लेकिन इसमें वाइड एंगल हमें ठीक ठाक ही मिल जाता है। ये बहुत ही छोटू सा कैमरा है कुछ ऐसा। ये आपका रिकॉर्ड का बटन है वैसे, ये आपका जूम इन जूम आउट का बटन है, ये आपका ऑन ऑफ का है, ये आपका मोड्स का बटन है, ये आपके नॉर्मल एक बटन है जिससे आप पीछे का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो। अगर आप इसे दबाओगे तो पीछे का जो आपका बैकग्राउंड है वो आपका ब्लर हो जाएगा, दोबारा से दबाओगे तो दिखने लगेगा ठीक से। बाकी इसके यहाँ पे ये स्क्रीन हो गई नॉर्मल, यहाँ पे फंक्शन के बटन हैं और कुछ एक बटन्स और हैं, और इसमें लगती है एक छोटी सी बैटरी जो कि कुछ ऐसी है जो पुराने फ़ोन हम लोगों के आते थे उसमें जो बैटरी लगती थी उस हिसाब से ये एक बैटरी होती थी। नोकिया की बैटरी आई करती थी 1100 में, कुछ ऐसा ही है। और साथ में लगता है एक मेमोरी कार्ड जो कि ये वाला मेमोरी कार्ड है। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट होने वाला है वो हमारे होने वाला है DJI की तरफ से एक एक्शन कैमरा जो कि है आपका DJI एक्शन 2। सो ये ऑलमोस्ट एक GoPro एक्शन कैमरा की तरह है। अभी कई मामलों में GoPro से आ गया है लेकिन कई मामलों में GoPro इससे आ गया है। ये आपका DJI एक्शन कैम का बॉक्स। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे आपको एसेसरीज बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स हैं बहुत सारी, और ये 4K में रिकॉर्डिंग करता है, वाटरप्रूफ भी है, 10 मीटर तक वाटरप्रूफ है, ड्यूल OLED टेक्नोलॉजी स्क्रीन है, और आपका 4K 120 PS तक सुपर वाइड में रिकॉर्ड करता है, मैग्नेटिक वर्सेटैलिटी, हॉरिजन स्टडी, और इसमें काफ़ी अलग अलग सारे फीचर्स हैं। अभी करते हैं इसको अनबॉक्स। तो बॉक्स ओपन करते सबसे पहले इसमें मिलते हैं कुछ मैनुअल्स, साथ ही इसमें मिलता है ये दो चीज़। अभी ये जो कैमरा है ये दो तरीके में आता है, एक पावर मोड में आता है, एक ड्यूल स्क्रीन मोड में आता है। जो पावर मोड वाला होता है उसमें ये मेन कैमरा होता है जिसमें एक्चुअल में ये लेंस लगा है, ये होता है मेन कैमरा, और नीचे एक इसकी बैटरी लगती है जो कि लगती है आपके मैग्नेट से। सो ये इसके क्लिप्स हैं, ये यहाँ पर मैग्नेट है और ये यहाँ पर मैग्नेट है। तो ये क्लिप्स को आप अगर इस तरीके से ओपन करोगे और इसमें यूँ लगाओगे तो ये आपका लग जाएगा। अगर आप इसको हटाना चाहोगे तो एक क्लिप ऐसा दबाइए और हटाइए, अगर आप इसे ऐसा लगाओ तो ये लगेगा नहीं, ये डीमैग्नेटाइज करता है। तो इसको आप इस तरीके से ऐसे ही लगाओगे, ये हो गया। अब आप इसको किस कितना भी खींचो ये नहीं होगा। तो ये है ड्यूल स्क्रीन मोड, पावर मोड नहीं है, पावर वाला नहीं है। तो इसमें होगा क्या, ये आपकी स्क्रीन है जिससे आप करोगे रिकॉर्ड। सो नॉर्मली मैं ऐसा रिकॉर्ड कर रहा। सो अभी आप जो फुटेज देख रहे हो वो देख रहे हो DJI एक्शन 2 की, और इसका माइक का मुझे श्योर नहीं है कितना अच्छा काम करता है, बट मैं इससे खुद को देख सकता हूँ, बस इसमें बेनिफिट यही है। बट हाँ, ये मोटो व्लॉग में इतना यूज़फुल है नहीं कि मैं खुद को देखूँ कैसे, लेकिन अगर मैं इसे नॉर्मल कैमरे की तरह यूज़ करूँ तो हाँ ये मेरे लिए यूज़फुल है काफ़ी। और इसका वाइड भी काफ़ी है, अभी तो मैंने वाइड में डाला भी नहीं है, और नॉर्मली वैसे ही बहुत ज़्यादा मुझे वाइड दिखा रहा है ठीक है। एक स्क्रीन इसमें यहाँ भी है और एक स्क्रीन इसमें यहाँ है, अगर हम देखें तो ये आपका कैमरा है, ये ड्यूल स्क्रीन मोड है। अब इसका यूज़ क्या है, नॉर्मली ये आपकी फ्रंट स्क्रीन है, ये एक्चुअल में ये स्क्रीन है आपकी जो कैमरे से लगी है, ये आपका कैमरा का लेंस है और ये आपकी स्क्रीन। तो जब आप रिकॉर्ड करोगे क्या चल गया ये, तो जब आप रिकॉर्ड करोगे आप देख सकते हो आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो इस स्क्रीन के थ्रू। लेकिन अगर मुझे इस कैमरा से रिकॉर्ड करते हुए खुद को देखना होगा तो मैं ऐसे स्विच करूँगा इस तरीके से कैमरा, अब ये लेंस मुझे दिखाएगा और नीचे ही आपकी स्क्रीन, ये मैं करूँगा लॉक ओपन और ये मुझे दिखेगी। सो इसमें दो बटन्स हैं, ये आपका नीचे एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक तरीके से एक आपका बैटरी पैक है, अगर मैं इसको निकाल दूँ तो ये आपका मेन कैमरा
और इसकी इनबिल्ट स्टोरेज आई थिंक 22 GB है। हाँ 22 GB इसका इनबिल्ट स्टोरेज है। और यह है इसमें एक तरीका इसका बैटरी पैक, जिसमें स्क्रीन मोड अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, 2 से 3 हज़ार का फ़र्क पाएगा। और अगर नॉर्मल आप बैटरी पैक लेना चाहो तो उसमें स्क्रीन नहीं आएगी, लेकिन ये दूसरी बैटरी का काम आपका करेगा। और अगर मोटो ब्लॉगिंग के लिए आप लोग यूज़ करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे लगा है इसका सी, तो ये आपको टाइप सी टू 3.5 mm जैक वाला ये कन्वर्टर चाहिए होगा, जिसके थ्रू आप अपने ऑडियो भी रिकॉर्ड कर पाओगे मोटो ब्लॉगिंग करते दौरान। इस बॉक्स में जो एसेसरीज आती हैं उनमें सबसे पहले आता है ये हेलमेट माउंट ही है, तो ये कुछ ऐसा लगेगा अगर आप इसे सिंगल लगाना चाहते हो डायरेक्टली कैमरा पे, बैटरी पैक पे नहीं। तो ये आपकी क्लिप्स हैं और ये क्लिप्स पे लग गया ऐसे, और आप फिर इसे हेलमेट पे माउंट कर दीजिए और बस आप इससे वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, ऑडियो नहीं। अगर आपको ऑडियो भी रिकॉर्ड करना है साथ साथ तो ये आपको निकालना है, ये आपको इस पर कुछ ऐसा लगाना है, ये इससे लग गया एकदम से, और आप साथ में नीचे लगा दीजिए ये आपकी क्लिप। अब अगर आप इसको उल्टा लगाओगे ना तो अपने आप ही नहीं लगेगा, मैग्नेट रिपल करेंगे, तो मैंने घुमा के ऐसा कर दिया और ये लग गया अपने आप ही, इतना पावरफुल मैग्नेट है ये एकदम से लग गया। अब ये कहीं नहीं जाता क्योंकि इसमें क्लिप भी, अगर सिर्फ मैग्नेट मैग्नेट होता तो दिक्कत देता। सो अब ये हो गया आपका कंप्लीट, तो आप इसको हेलमेट पर माउंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और कुछ दूसरा इसमें आपको मिलता है अगर आप इसको ट्राईपॉड पर यूज़ करना चाहते हो तो, ये वैसे भी हो जाता है, पहले कैमरा बंद कर देते हैं। मैं दिक्कत यह है इसमें एक ये भी है, ये भी एक मैग्नेट वाला पोर्शन है, तो ये हटा रहा है। सो अभी आपको ये दोनों कैमरा करता हूँ, पहले अटैच हो गए और अब ये करना है अटैच। अब इस पर आपको अपना ट्राईपॉड लगाना है और ट्राईपॉड लगाने के बाद आप बिल्कुल रेडी हैं अपना ब्लॉग करने के लिए, बिल्कुल तैयार। नेक्स्ट एसेसरी पर आते हैं। नेक्स्ट एसेसरीज की मिलती है हमें, इसका है, हाँ ये इसका है, फिर ये आपको यहाँ नीचे मैग्नेट है, तो ये आप ऐसे लगा सकते हैं इसको इधर कहीं, मतलब आप इसको अगर फिक्स करना चाहो कहीं पे तो ये हुआ। और लास्ट वाली आपकी एसेसरी आपकी मिलती है, ये एक तरह का लॉकेट है। अभी ये लॉकेट क्या काम करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ये आपका हो गया ये, अब आप इसको ऐसा चलाना चाहो या फिर इतना बड़ा, ये लॉकेट तैयार हो गया आपका, ये आपका हो गया लॉकेट तैयार। अब आप इसको ऐसा बाहर भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको कुछ ऐसा करके इसको आप रखो अंदर, तो ये आपका हो जाएगा एक तरीके से चेस्ट माउंट का काम करेगा, और आप चाहो तो इससे रिकॉर्ड कर सकते हो। बट उसके लिए आपके पास ये वाला जो कपड़ा है ये मटेरियल है, ये बहुत ही थिन होना चाहिए क्योंकि ये टी शर्ट काफ़ी मोटी है, तो इस पर ठीक से भी लग नहीं रहा। बट ओवरऑल अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो ये, और ये आपका हो गया एक्शन कैमरा रेडी। सो अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट। सो ये है आपका DJI का ड्रोन एक्शन कैमरा, DJI का मिनी 2 SE। प्राइस की बात करूँ तो ये है 60,000, और ये मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है अभी तक की वीडियो का। इसको ओपन के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो शुरू करते हैं, देर नहीं करते। तो इसमें सबसे पहले मिलता है आपको ये आपका प्रोडक्ट है, और ये है आपका ड्रोन का बैग। ओके सो इसको हम नीचे रख लेते हैं, और ये है आपका ड्रोन का बैग, सो कि बहुत ही अट्रैक्टिव बैग है, और मुझे लगता है इसके बाद मुझे किसी एक्स्ट्रा केसिंग की ज़रूरत है। सो इस तरह हम ओपन, तो बॉक्स में सबसे पहले हमें जो चीज़ है, एक तरफ से शुरू करते हैं, सबसे पहली चीज़ है हमारी आपकी ये हैं कुछ कनेक्टर्स, ये आपके एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, अगर आपके क्योंकि ये प्लास्टिक के हैं तो अगर आपके टूटते हैं तो ये एक्स्ट्रा काम आएंगे, इसे अभी यहीं रख लेते हैं। और ओके फिर उसके बाद हमें कुछ मिलता है इंस्ट्रक्शन गाइड, जो आपकी ये रहे,
और ये आपके कुछ मैनुअल्स, तो ये हम अलग रख देते हैं अभी। उसके बाद हमारा एक और बॉक्स है, तो ये वाले बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं, हम बैग को भी साइड रखते हैं। तो ये वाला बॉक्स जो हमारा है, ओके, ये आपका आ जाता है बैटरी पैक। सो ये जो चीज़ है, ये जो मैंने अभी लिया है, ये फ्लाई मोर कॉम्बो है। तो इसमें आपकी तीन बैटरीज आती हैं, इसमें से एक अगर ड्रोन पे लगी है, बाकी दो बैटरीज ये रही। ये कनेक्टर इसके अंदर, ये कनेक्टर, ये वाला जो कनेक्टर था इसके अंदर था, ये मैंने निकाल दिया था। ये आपका है चार्जिंग का, और इसमें होता कुछ ऐसा है कि तीन बैटरीज लगती हैं और ये एक एक करके चार्ज होता है। पहले एक होगी, फिर दूसरी होगी, तीसरी होगी, फिर जब तक आप एक चार्ज होती है तब तक आप दूसरी तीसरी को चार्ज कर सकते हो, फिर जब वो ख़त्म हो जाए तब तक हो जाएगा। अभी एक बैटरी को चार्ज करने में आई थिंक 1.5 से 2 घंटा लगता है, तो ये भी मैंने पूरी रात छोड़ दिया था, तब जाके कहीं पूरा चार्ज हुआ था। नेक्स्ट जो आपका आता है हमारा, वो है आपका कंट्रोलर। सो ये है हमारा कंट्रोलर कुछ ऐसा, और ये भी चार्ज होता है, और ये इसका चार्जिंग यहाँ पे टाइप सी। ये आपके जॉयस्टिक्स हैं जो कि इस पर कुछ ऐसे लगेंगे, ओके। सो ये आपका ऑन ऑफ का बटन है, ये कैमरा से कनेक्ट करने का बटन है, ये आपका फ़ोटो क्लिक करने का, ये आपका फ़ोटो वीडियो, और ये गिम्बल का बटन है, ऐसे निकलता है ये बाहर। और यहाँ पे होता है आपका फ़ोन कनेक्ट, और ये है आपका ये। अब सो अभी लाइट ने दे दिया हमें धोखा, तो हम ये बैग, अपना झोला हमने बांध दिया है, और अब हम लोग जा रहे हैं डायरेक्टली छत पे, और बाकी की अनबॉक्सिंग जो है इसकी वहीं पे करेंगे, और ऐसे उड़ा के भी दिखाएंगे आप लोगों को। फटाफट अभी छत पे चलते हैं, और अब रखा नहीं जा रहा यार, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, तो चलते हैं अभी। तो दो बार आपको, अगर आप इसको नीचे करोगे, यूं करके दबाओगे, तो वो घूमने लग जाते हैं। अभी ये सारे आपके कंट्रोल्स हैं, इस वाले से ये जाएगा ऊपर, तो अभी ये आपको बता रहा है कि इसकी मैक्सिमम हाइट है 15 मीटर इंडिया के नॉर्म के हिसाब से, तो ये 15 मीटर की हाइट पे है। अगर आप इसको और ऊपर ले जाना चाहते हो तो आपको थर्ड पार्टी ऐप है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, फिलहाल हम इसे 15 मीटर की हाइट से उड़ाएंगे। तो अभी हमारी बैटरी बची है 62%, शुरू करते हैं, चलो। सो अभी एक सीन हुआ, हमने इसे उड़ाया और वीडियो का बटन दबाना भूल गए, तो अभी इसको दोबारा उड़ाएंगे, बंद कर दिया।
या तो आप इसको यहाँ से बंद करो इसके जॉयस्टिक से, या तो यहाँ पे एक लैंडिंग का बटन आता है उससे करो आपके पास। तो ये थी हमारी DJI Mavic Mini 2 SE की उड़ान। ओके, सो अभी ड्रोन उड़ा के भी हो गया, अभी ठीक ठाक थकान लग गई। तो अभी इस ड्रोन में क्या है, तीन मोड है। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आपको दिख रहे हैं तो तीन मोड है। पहला मोड है सिने मोड, जिसमें आपका जो ड्रोन है वो बिल्कुल से एक नॉर्मल ड्रोन की तरह उड़ता है, मतलब जो उसकी स्पीड है वो एक नॉर्मल स्पीड होती है। उसके बाद आता है एक, मतलब स्लो मान सकते हो आप, स्लो स्पीड में उड़ेगा आपका ड्रोन। दूसरा मोड है आपका, ये आपका नॉर्मल मोड है, और तीसरा है स्पोर्ट मोड। तो नॉर्मल मोड में जो एक्चुअल जिस तरीके जितनी स्पीड ड्रोन की होती है वो उतने में उड़ता है। तो सिने मोड और नॉर्मल मोड, इन दोनों मोड में फ़र्क है। सिने मोड अगर आप बिल्कुल ड्रोन फर्स्ट टाइम उड़ा रहे हो, बिल्कुल नए हो ड्रोन में, तो सिने मोड आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि जब तक आप सीख नहीं जाते कि आपको ड्रोन किस तरीके से उड़ाना है, कितनी हाइट पर उड़ाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं ड्रोन में भी, किस तरीके से आप शॉट लेने, तब तक आपको सिने मोड पे ही काम करना चाहिए। जैसे ही आप सीख जाओगे उसके बाद नॉर्मल मोड, और जब आप बिल्कुल क्लियर हो जाओ तो आता है स्पोर्ट्स मोड। तो मैंने अभी तीनों मोड में ट्राई किया। तो सिने मोड में मैं ऑलरेडी, जब मैं लेके आया था तब मैंने चेक किया था, मतलब सीखा मैंने सिने मोड में था उन्होंने। अभी मैंने स्पेशली उड़ाया स्पोर्ट मोड, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए। जिस फुर्ती के साथ, मतलब जिस स्पीड से वो दौड़ रहा था ना ड्रोन, उसे देख के डर भी लग रहा था, और ऊपर से मैंने तकरीबन आधे घंटे पौना घंटा उड़ाया हुआ, कुछ वीडियो के सेटिंग में गड़बड़ा रहा था जो कि मैं ठीक नहीं कर पा रहा था। फाइनली मैंने वो ठीक की, और उसके बाद मैंने ड्रोन जब उड़ाया, सो आधा पौना घंटा जब मैंने उड़ाया तो चील कवे सारे आ गए आसपास, तो मुझे वो भी देखना पड़ेगा, और समय हवा भी बहुत तेज हो गई, तो मैंने फाइनली ड्रोन बंद कर दिया। तो मैंने 5 से 10 मिनट उड़ाया स्पोर्ट्स मोड में, लेकिन जो वो दौड़ा है ना उसे देख के डर ही लग रहा था कि इसे चील की वजह से टकराना जाए। पर फिलहाल मैं कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, तुमसे आपसे ये ड्रोन का डील मैं कर देता हूँ, 60,000 के आसपास है इसमें, मुझे कह रहे थे 60,000 में कार्ड दे देंगे, और ऑनलाइन इसका प्राइस कम से कम 70-80 के बीच वेरी कर रहा है। सो मैंने फर्स्ट टाइम से कुछ ऐसे सेटअप के साथ यहाँ पे GoPro पे माइक लगा के, रिंग विंग लाइट लगा के, बाकी अपने फ़ोन से जो शूट कर रहा हूँ उसके लिए मैंने मैक लगा रखा था, और ये सारा वीडियो बनाते बनाते इतना कचरा मैंने किया है। सो फर्स्ट टाइम मैं कुछ इस सेटअप के साथ शूट कर रहा हूँ। और ये देखो यार, मैंने छोटा सा ना ड्रोन के साथ कांड भी कर दिया था, ये मैंने टकरा दिया था कहीं पर लैंड करते वक्त, तो ये हल्का सा इस पर लग भी गया है, पर चलो कोई नहीं। सो ड्रोन की डील हम फाइनल कर देते हैं, और इस वीडियो में ये पेंट कर देते हैं, बाकी ड्रोन लिया नहीं लिया वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी कोई वीडियो बनाई है जिसमें मैं कुछ रिव्यू कर रहा हूँ, नॉट कम्प्लीटली रिव्यूइंग, बट ठीक है मैंने ट्राई किया है कुछ, क्योंकि रोज़ ब्लॉग ही कर रहा था, तो मैंने कहा ये भी ट्राई कर लेते हैं। इस वीडियो को वहीं यहीं पेंट कर देते हैं, और बाकी तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर। और जहाँ तक रही, अच्छा एक चीज़ और, जहाँ तक रही कैमरा की प्राइसिंग की बात, तो कैमरा वो यूज्ड है, तो अगर नया लूँगा तो वो 45 और नहीं सॉरी अगर मैं फ्रेश नया कैमरा लूँगा तो वो 50 या 55 के बीच की रेंज का जाएगा, लेकिन अगर मैं ओपन बॉक्स लूँगा तो वो मुझे पड़ेगा 45 का, और अगर मैं यूज लूँगा तो वो मुझे पड़ेगा 35 का। तो ये वाला जो कैमरा है जो मैं अभी लेके आया था, इसका प्राइस था 35, क्योंकि ये यूज कैमरा है, इसमें अगर मैं ओपन बॉक्स लूँगा तो 45 और न्यू लूँगा तो 50 से 55 के बीच करीबन जाएगा वो। सेकेंड चीज़, जो एक्शन कैमरा है ये भी यूज़ कैमरा है, तो इसका मुझे प्राइसिंग पड़ा है 25 अगर मैं लेता हूँ तो। अगर मैं इसमें सिर्फ पावर मोड वाला रहता हूँ जिसमें ड्यूल स्क्रीन नहीं होगी, सिर्फ बैटरी होगी, तो वो मुझे पड़ेगा 22,000 का, जबकि अगर आप नया लोगे तो 35 से 40,000 के बीच में दोनों कैमरे पड़ेंगे, स्क्रीन और विदाउट स्क्रीन दोनों के। सो आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, बाकी वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
अबे यार, ये वीडियो बनाने के चक्कर में ये वाला प्रोपेलर घिस गया इसका। ये मैंने टकरा दिया दीवार से, ज़्यादा चल रही थी मुझे भी। दौड़ दौड़ा लो और दौड़ाओ स्पोर्ट्स मोड में, हो गया काम। हल्का से इसके गिम्बल पे भी स्क्रैच आ गया है।